फरीदाबाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। दोनों विभागों के संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया अमूल के पैकेट में भरकर बेचा जा रहा नकली देसी घी। वही जानकारी के मुताबिक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को पिछले काफी दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि अमूल के नाम पर नकली घी बेचने वालों का काला काला कारोबार चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रांसपोर्ट नगर के पास नाकाबंदी करके एक गाड़ी से अमूल नाम के मशहूर ब्रांड के पैकेट में नकली देसी घी बरामद किया है। नकली घी का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि और कितने लोग इस नकली घी के कारोबार में संलिप्त हैं। एसएचओ दीपक कुमार का कहना है कि उन्हें पिछले काफी दिनों से नकली देसी घी का कारोबार करने वालों की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर ही नाकाबंदी कर इस गाड़ी को पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर बुलाकर जांच की जा रही है। इस नकली घी के कारोबार से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ यह सप्लाई किया जा रहा था, इस बात का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। एसएचओ साहब, एक गाड़ी पकड़ी है देसी घी की, क्या है पूरा मामला? इन्फॉर्मेशन मिलती है मुख्यमंत्री जी ये ना अमूल का देसी घी सप्लाई करते हैं नकली, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने पर यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर चौक नाका लगा के उनको चेक किया तो गाड़ी में ये घी बरामद हुआ। कितना घी था, कहाँ से लाया जा रहा था? ये अभी तो इंटरोगेशन पर बना रहेंगे। अभी पहले डॉक्टर साहब को बुलाया टीम को और जो अमूल वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन दिया भी हुआ है। यानी कि अमूल के नाम पे घी बेच रहे थे एक तरीके से। कितना क्या सामने आया, कितने दिनों से बेच रहे थे घी? अभी तो ये कह रहे हैं अभी लेके आए हैं, बाकी तो इंटरोगेशन के दौरान बताएंगे भी इनका स्टॉक कहाँ है या कहाँ से लेके कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं से कुछ पता नहीं, स्टार्टिंग में नहीं पता लगा कि कौन इसका मालिक है, गाड़ी किसके नाम है? अभी गाड़ी की इन्होंने ऐसी फोटो बनी। अच्छा, हाँ। गाड़ी कितने लोग पकड़े हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, हाँ। ड्राइवर के समाप्ति 3 लोग। और कितना किलो घी है इसमें? लगभग 280 270 के।